हेलो माय डियर फ्रेंड्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू वेलकम टू एग्जामपुर सीडीएस डी एस सी ए एफ कैट एग्जाम चैनल मैं हूं जुबैर एहसानी और आज के सेशन में हम बात करेंगे हेल्थ एंड डिजीजेस पार्ट थ्री जो लोग नए हैं जिन लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है वो जाकर देख लेंगे आज क्योंकि हम संडे को इन्हीं पर बेस्ड एम करेंगे और तब आपकी का इम्तहान होगा कि आप लोगों ने कितने ध्यान से कितने खलूस और मोहब्बत से कितने शफ़कत से कितने इनायत से आप लोगों ने सेशन को देखा है और डिज़ीज़ पार्ट थ्री में हम लोग उम्मीद है कि डिजीज़ को कंप्लीट कर लेंगे और इस सेशन के बाद अगर डिज़ीज़ से कोई क्वेश्चन होता है तो वो छूटना नहीं चाहिए अब बशर्ते के जिस्म और जान के साथ आप क्लास में हमारे साथ मौजूद रहे हों एक बार सारे लोग मुझे बताएं कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताकि हम बिना किसी देर के अपने सेशन का आगाज कर सकें शुभारंभ कर सकें तो एक बार चैट बॉक्स में अपनी उपस्थिति आप लोग दर्ज करवाएं। फिर बड़े ही आराम से हम लोग सेशन को शुरू करेंगे ओके हमारे साथ प्रिया ओझा अंकित हैं हमारे साथ गौहर हुसैन हमारे साथ करिश्मा पाल बाजीगर हमारे साथ हैं आदित्य कश्यप हैं कृष्ण कुमार हैं रैना वर्मा हैं संकेत साहब हैं गौहर हुसैन हैं अर्जुन हमारे साथ हैं महादेव साहब हैं और आदित्य हमारे साथ हैं संकेत हैं निहाल हैं सभी का स्वागत है खैर मकदम है इस्तबाल है आज के इस खूबसूरत सेशन में जिसका नाम है बीमारी पार्ट थ्री रोग पार्ट थ्री बीमारी नहीं रोग हम बोलेंगे रोग थोड़ा सा शायराना हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है बताइए अर्जुन साहब परमवीर साहब विशाल इन्फो साहब कैसे हैं आप लोग शुभम अरिहर और शुभ श्री नायक हमारे साथ हमेशा रहते हैं तो आज थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं डिजीज की क्योंकि अब आप क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ जाएगा फिर हम एंडेमिक पे चलेंगे पैंडेमिक पे चलेंगे एपेडेमिक पे चलेंगे जहाँ से सी में क्वेश्चन पूछा गया था फिर हम जेनेटिक डिजीज पे चलेंगे अनुवांशिक रोगों पे चलेंगे टर्नर सिंड्रोम क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम हीमोफीलिया थैलीसीमिया एल्बिनिज्म इस तरह की डिजीज़ की बात करेंगे कुछ स्पेशल डिजीजेस की बात करेंगे जैसे इटाईटाई क्या होता है आउच आउच डिजीज़ क्या होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है फ्लोरोसिस क्या होता है ब्लैक फुट डिजीज़ क्या होती है वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इन तमाम पहलुओं पर डिटेल से बात होगी आज के सेशन में सबसे पहले डिजीज के प्रकार को देख लेते हैं तो डिजीज़ को अगर हम बात करें किसके आधार पर एक्यूट और क्रोनिक के आधार पर तो दो तरह की डिजीजेज होती हैं एक एक्यूट डिजीज और एक क्रॉनिक डिजीज कितने लोगों को पता है तीव्र रोग एवं दीर्घकालिक रोग एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज क्या होती हैं ये बताओ मुझे एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज में क्या फर्क होता है ना एक्यूट को हम कहते हैं तीव्र रोग और क्रॉनिक को कहते हैं दीर्घकालिक हिंदी में तो समझ में आ रहा होगा तो देखो दोनों में अंतर क्या है उसको दिखा देता हूँ बहुत सारी बातें हमें डिस्कस करनी है तो थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे सर प्लीज़ फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री बायोलॉजी की अलग प्ले लिस्ट बना दीजिए ठीक है ठीक है आपके फरमाइश पर गौर किया जाएगा है ना हर बात माननी पड़ेगी आप लोगों की लेकिन एक शायर कहता है कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके खसारा मतलब नुकसान तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके तो सारी बातें नहीं माननी चाहिए लेकिन आप लोगों से ऐसा रिश्ता है कि आपकी सारी बातें माननी पड़ेंगी मैं बोल दूंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की अलग प्लेलिस्ट तैयार की जाए एक्यूट डिजीजेस वो होते हैं जो बहुत कम समय के लिए आपको प्रभावित करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं और क्रॉनिक डिजीजेस वो होते हैं जो लंबे समय तक आपको जो है वो झेलाता रहता है है ना तो क्रॉनिक का मतलब हुआ है लंबे समय तक आपको झेलना पड़ेगा और एक्यूट डिजीज जो बहुत कम ड्यूरेशन सर्दी खांसी नजला जुकाम हो गया दो तीन दिन में अपने आप ठीक हो गया है ना दो तीन दिन में अपने आप ठीक हो गया ये जो है रैंडमली कभी भी हो सकता है जैसे नजला जुकाम आपको कभी भी लग सकता है आपको अभी आप ठीक हो पता चला शाम को नजला हो गया लेकिन ये काफी काफी दिन लगता है इसको आने में है ना सो इट कॉज्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इन बीमारियों को प्रकट होने में थोड़ा समय लगता है ये जो है इतना ज्यादा हेल्थ पे प्रभाव नहीं डालते जैसे आपको नजला जुकाम हो गया तो उतना ज्यादा कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो स्वास्थ्य पर अधिक पूरा प्रभाव नहीं डालते लेकिन ये आपको स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा प्रभाव डालेंगे जो क्रॉनिक डिजीजे होंगे जैसे कि एक्यूट डिजीज में आपका कॉमन कोल्ड हो गया नज़ला बुखार डिसेंट्री हो गया पैचिस हो गया है ना तो इससे उतना दिक्कत नहीं होता लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ में जैसे एलिफेंटियासिस हाथी पाँव रोग हो गया ये तो ज़िंदगी भर रह जाता है हार्ट डिजीज़ दिल की बीमारी हो गई अब दिल की बीमारी किसी को लग गई तो वो लग ही जाती है एक तो वो वाली दिल की बीमारी और एक सच में जो दिल की बीमारी होती है दोनों ही खतरनाक बीमारियां होती हैं तो दिल की बीमारी वो चाहे जैसी भी हो खतरनाक है ट्यूबर क्लॉसिस भी क्या है क्रॉनिक डिजीज ट्यूबर क्लॉसिस आपको झिला देगा बहुत दिनों तक तो ये फर्क होता है एक्यूट में और क्रॉनिक में क्लियर हुआ सबको बाद में कोई ट्रीटमेंट नहीं है एलिफेंटियसिस का जब स्वेलिंग हो गई तो अब देखो एक और आधार पर डिजीज को हम बांटेंगे एक कहलाएगा कॉन्जेनाइटल डिजीज और दूसरा एक्वायर्ड डिजीज जन्मजात रोग एवं उपार्जित या अर्जित रोग है ना जन्मजात रोग और अर्जित रोग नाम से क्लियर है कॉन्जेनाइटल डिजीज ये वो बीमारियां होंगी जो जन्म से ही लोगों में मौजूद होती हैं जैसे जेनेटिक डिजीजेज आगे हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस है ना ये जन्म से प्रेजेंट होती हैं तो वो बीमारियां जो जन्म से उपस्थित रहती सिंस कॉन्जेनेटल वह रोग जो नवजात शिशुओं में जन्म के समय से ही विद्वान होते हैं जैसे होल इन हार्ट कोई कोई बच्चा है पैदा हुआ और उसके हार्ट में होल है है ना तो ये जन्मजात रोग हो गया जेनेटिक डिजीजेस हैं क्लैन सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम है, है डाउन सिंड्रोम है, है ना, हीमोफिलिया है

इम्यूनो इम्यूनोडेफिशी मतलब इम्यून सिस्टम वीक हो गया सिंड्रोम मतलब जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लग गई नहीं समझ में आया हाँ ट्रीटमेंट होता है हार्ट में होल होता है ना तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है ना वो अपने आप फिल होता जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा वेट करते हैं है ना अगर वो फिल होता जा रहा है उम्र के साथ साथ तब तो ठीक है अदरवाइज फिर डॉक्टर सर्जरी को रेकमेंड करते हैं फिर सर्जरी के द्वारा उसको बंद किया जाता है उस होल को है ना तो अगर अपने आप ठीक हो गया तो ठीक है नहीं तो फिर सर्जरी का केस आ जाता है फिर वो, वो डॉक्टर फिर बताते हैं अब जो है वो डिजीज के उनके फैलने की क्षमता के अनुसार भी बांटा गया है ये तो था कि जन्म से पहले था सॉरी जन्म से कोई बीमारी है या जन्म के बाद ग्रहण हुई है उसके आधार पर कॉन्जेनाइटल और एक्वाइड थे लेकिन संक्रमण के आधार पर फैलने के आधार पर जो है वो एक्वाइड uh, डिजीज़ेस दो प्रकार के होते हैं जो उपार्जित रोग हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज संक्रामक रोग है ना संक्रामक रोग जिसको कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस है ना असंक्रामक रोग इशियस डिजीजेस वो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकते हैं जैसे आपका कोविड डिजीज है किसी आदमी को कोविड है है वो छींक रहा खांस रहा है तो ड्रॉपलेट्स बाहर आ रहे हैं सामने आप बैठे हुए सांसों के थ्रू इनहेल कर लिया हो जाएगा आपको दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस क्या किसी को डायबिटीज है उसके साथ आप बैठोगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा क्या नहीं होगा किसी को कैंसर है उसके साथ आप हाथ मिला रहे हो उसके साथ खाना खा रहे हो आपको कैंसर हो जाएगा क्या नहीं तो वो बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती हैं उसको इन्फेक्शियस कहेंगे कम्युनिकेबल कहेंगे जो नहीं फैलेगी उसको नॉन इन्फेक्शियस कहेंगे है ना तो ये जो एक्वायर्ड डिजीजेज हैं वो फैलने के आधार पे है ना दो प्रकार की होंगी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज तो इन्फेक्शियस डिजीज वो होते हैं जो रोगाणुओं के कारण होते हैं है ना जैसे कोई भी बैक्टीरियल डिजीज हो गया वायरल डिजीज हो गया और वो होते हैं जो पैथोजेन के द्वारा नहीं होते इन्फिक्शियस डिजीज कैन पास फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन संक्रामक रोग रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जा सकता है लेकिन जो नॉन कॉम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है वो नहीं जा सकता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में है ना यहाँ पर जो ट्रांसमिशन है बीमारी का वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है एयर से वाटर से वैक्टर से हो सकता है जैसे किसी आदमी को मलेरिया है और उसको एनोफिलीज मच्छर ने काटा है उसी मच्छर ने आपको काट लिया तो आपको हो जाएगा लेकिन यहाँ पर ट्रांसमिशन नहीं होता जैसे कॉलरा हो गया ट्यूबर हो गया निमोनिया हो गया चिकन पॉक्स हो गया जितने भी बैक्टीरियल वायरल डिजीजेस थे वो इन्फेक्शियस थे लेकिन हाई ब्लड प्रेशर हो गया हार्ट डिजीज़ हो गया कैंसर हो गया ये सब क्या है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं स्क्रीन शॉट लेंगे प्लीज़ टेक द स्क्रीन शॉट फ्लू भी इन्फेक्शियस है बिल्कुल जब कोविड है तो फ्लू कैसे नहीं होगा किसी आदमी को नज़ला ज़ुकाम है उसके साथ आप बैठे हुए हैं उसके साथ आप हाथ मिला रहे हैं वो छींक रहा है छींक कर ऐसे पूछ लिया ज़्यादातर लोग क्या करते हैं छींकते हैं और रुमाल तो रखते नहीं ऐसे पूछ लिया और फिर ऐसे पूछ लिया है ना और फिर आपसे आएंगे हाथ मिलाने के लिए कितने लोग क्या करते हैं ऐसे नाक खोदते रहते हैं आपने देखा होगा मेट्रो में बैठे हुए ऐसे ऐसे नाक खोद रहे हैं फिर ऐसे गोला बनाकर कहीं पे चिपका देते हैं और फिर वो आएंगे आपसे हाथ मिलाने के लिए तो जाहिर सी बात है कि अगर उसको कोविड है उसको इन्फ्लुंजा है तो आपको भी फैल जाएगा आपके सामने ही ऐसे ऐसे करते रहेंगे फिर बोलेंगे हेलो सर है ना तो कितनी ख़राब बात है और उसको निकाल के बहुत ऐसा गोली बनाकर और चिपका देते हैं ये कितनी ख़राब बात है कोविड के दौर में भी लोग नहीं सुधरे हैं है ना गोला बनाते रहते हैं ऐसे ऐसे तो ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए आदमी को तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको ठीक है जी चलो अब आ जाइए कि जो इंफेक्शियस डिजीजेज हैं वो कई माध्यम से फैल सकती हैं जैसे एयरबॉर्न वायु जनित रोग कौन कौन है तो निमोनिया छीक रहा खांस रहा फैल जाएगा हवा से कॉमन कोल्ड नजला खांसी जुकाम किसी को कॉमन कोल्ड है खांसा, आए हवा हवा में, उस हवा को इनहेल किया और आपको हो गया, फिर है टीबी टीबी का आदमी खांस रहा है बैठकर आपके सामने है ना कोविड 19, कोविड 19 का आदमी जो है वो खांस रहा है तो एयरबोर डिजीजे में ये सब आते हैं वायु जनित रोग में वायु जनित रोग में हाँ अब परिणाम करते हैं कि सही है ब्लड प्रेशर डायबिटीज भी कॉन्जेनाइटल हो सकता है बहुत केसेस में हाँ जेनेटिक होते हैं लेकिन जनरली हम उसको आपके लेवल पे जब हम बात करेंगे तो वहीं पे रखेंगे नेक्स्ट होता है वाटर बॉन्ड जल जनित रोग ये वो बीमारियां होती है ना जो दूषित जल एवं भोजन से फैलती हैं क्वॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से फैलती हैं जैसे कि आपका कॉलरा हो गया हैजा जिसको हिंदी में कहते हैं हेपेटाइटिस हो गया टाइफाइड हो गया देखो टाइफाइड के बारे में अक्सर पूछे टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है लेकिन ये किससे हो रहा है तो ये वाटर बॉर्न डिजीज है दूषित जल एवं भोजन में सलमोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया रहता है खालिया हो गया हम्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज आपको बोला था यौन संचारित तो रोग जिसमें आ गया एड्स सिफिलिस गोनोरिया हेपेटाइटिस बी एनिमल बॉन्ड डिजीज़ कुछ बीमारियाँ एनिमल बॉन्ड होती हैं वेक्टर से होती हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिया है ना जैसे कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से मलेरिया होता है सीसी फ्लाई से आप जानते हैं कि आपका स्लीपिंग सिकनेस होता है क्यूलेक्स से फैलेरिया होता है तो कुछ बीमारियाँ एनिमल बॉन्ड होती हैं मतलब मच्छरों के काटने वगैरह से मक्खियों से फैलता है ठीक है चलिए तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन अब कुछ बीमारियां कमी की वजह से होती हैं डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं जैसे बहुत सारी बीमारियां तो मैंने आपको पढ़ा दी हैं विटामिन में विटामिन बी वन की कमी से क्या होगा बी टू की कमी से क्या होगा इत्यादि इत्यादि तो कमी से होने वाली बीमारियाँ बहुत कुछ पढ़ा दिया है लेकिन दो बीमारियों के बारे में आपको और थोड़ा ध्यान रखना है एक है मैरासमस और दूसरा है क्वाशर को मैरसमस क्वाशरकोर ये दो डेफिसियंस डिजीज की कैटेगरी में आती हैं कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में आता है अब इन दोनों से क्या क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में वो देखना देखना दोनों में अंतर हमने लिखा है डिफरेंसेस बिटवीन मैरसमस एंड क्वाशरकोर मैरसमस और क्वाशर कोर में क्या अंतर है देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा शियर कोर जो होता है ना ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है तो ये प्रोटीन की कमी से होता है तो पहला क्वेश्चन ये हो गया ये जो बीमारी होती है प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से होती है ये क्वेश्चन हो गया प्रोटीन और कैलोरी की कमी से बस ये एक पॉइंट याद रखना है so, किसकी कमी से प्रोटीन की कमी से मैरसमस प्रोटीन और क्या बोले कैलोरी की कमी से एक क्वेश्चन हो गया अब देखो ये दो और तीसरा पॉइंट चाहे तो याद रखें चाहे तो भूल जाए आप पे डिपेंड करता है जानकारी के लिए बता देता हूं कि क्वाशर कोर नाम की बीमारी जो है वो छ महीने से छ माह से तीन साल तक के बच्चों में कॉमन है तीन साल तक के बच्चों में लेकिन मैरसमस जो है वो एक साल तक के बच्चों में होता है एक साल तक के बच्चों में होता है दूसरी पॉइंट है कि इस बीमारी में जो है बच्चों की पसली नहीं दिखाई देगी रिब्स नहीं दिखाई देगा पसली नहीं दिखती और इसमें बेचारे का प्रोटीन भी कम है कैलोरी भी कम है तो बच्चे का हड्डली हड्डी पसली सब दिखेगा पसली दिखाई देगी क्वेश्चन यहां से बनाएगा कि क्वेश्चन किसकी कमी से प्रोटीन की कमी से मैरसमस प्रोटीन और कैलोरी की कमी से चौथा से पॉइंट मिलेगा आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वो बच्चा जो क्वाशर कोर से पीड़ित है उसके फूड में क्या होना चाहिए तो अगर बच्चे को क्या है क्वाशर कोर है तो क्वाशर कोर किसकी कमी से हो रहा है तो प्रोटीन की कमी से तो बच्चों के भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन डालेंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा लेकिन मैरसमस किसकी कमी से हो रहा है तो प्रोटीन और कैलोरी की कमी से तो पूछेगा कि वो पेशेंट जिसको मैरासमस है उस बच्चे के भोजन में क्या होना चाहिए तो प्रोटीन और कैलोरी की कमी से हो रहा है तो आप कहेगा कि इसके भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन भी होनी चाहिए वसा भी होनी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा भी होनी चाहिए तो ना तो इसके फूड में प्रोटीन है शर्करा है ना ही वसा है तो बच्चे की हड्डी तक दिखाई देती है सारी फसलियां प्रोमिनेंट होंगी प्रोमिनेंट होंगी लेकिन इसमें पसली प्रोमिनेंट नहीं होगी बस यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा नाइट रखा है विटामिन ए की कमी से होती है विटामिन A की कमी से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस भी डेफिशिय डिजीज है प्रोटीन वाला नहीं देखा क्या मंडे को तो विटामिन ही पढ़ाया था मैंने तो इतना याद रखना है आपको तो ये देखो मैरसमस है मैरसमस जो होती है ना वो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होती है तो बच्चे का ये हाल हो गया बेचारे का लेकिन क्वाशर कोर सिर्फ प्रोटीन की कमी से होती है तो इसमें पसली दिखाई नहीं देती इसमें लीवर जो है वो बढ़ जाता है पेट इस तरह से बच्चे का निकल जाएगा काफी क्यूट बच्चे हैं लेकिन देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से इनके साथ क्या हो गया <coughs> बच्चे मन के सच्चे अब आ जाओ जहां से सीरियस में क्वेश्चन पूछा गया था इक्कीस में है ना टू में देखना पहली बीमारी है ये जो वर्ड इंडेमिक है दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है एन का मतलब क्या होगा इन और डेमोस का मतलब क्या होगा पॉपुलेशन आबादी इंडेमिक इस वर्ड का इस्तेमाल ऐसी बीमारों बीमारियों को बताने के लिए किया जाता है जो मौजूद होता है किसी खास रीजन में किसी खास पॉपुलेशन में हमेशा आ जाता हो सो so, इसका उपयोग किसी क्षेत्र या आबादी में अस्थाई रूप से मौजूद बीमारी का वर्णन करने के लिए किया जाता है उसी खास क्षेत्र में ये बीमारी बार बार लोगों को प्रभावित कर रही हो इन इनका मतलब विद इन और डेमोस मतलब क्या होता है आबादी पॉपुलेशन तो किसी खास पॉपुलेशन में किसी खास रीजन में किसी खास क्षेत्र में बार बार ये बीमारी आ जाती हो जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा कि हर साल डेंगू मलेरिया उत्पन्न होता रहता है तो डेंगू और मलेरिया को हम इनिक कहेंगे दूसरी बीमारी है आपका एपिडेमिक भी दो शब्दों के ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है एपी मतलब अपॉन या अबव और डेमोस मतलब है पीपल सो एन एपिडेमिक डिजीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी पॉपुलेशन और रीजन ओवर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम महामारी एक ऐसी बीमारी है जो किसी समुदाय आबादी या क्षेत्र में कम समय में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर जाए कम ड्यूरेशन में एक बहुत बड़ी आबादी को कोई बीमारी प्रभावित कर रही है तो उस बीमारी को हम एपिडेमिक कहेंगे जैसे येलो फीवर स्मॉल पॉक्स आपने देखा होगा कि गांव में किसी बच्चे को चेचक हुआ पूरा गांव बीमार पड़ गया और बहुत तेजी से पूरे गांव में फैल गया मिजल्स यानी खसरा पोलियो है ना ये सब जो है ये एपिडेमिक है है ना अब बात आती है पैंडेमिक की यहां पर पैन मतलब क्या है पैन इंडिया आपने सुना होगा पैन इंडिया जो है ये प्रोग्राम लागू किया गया है तो पैन का मतलब पूरा होता है तो पैन का मतलब क्या होता है ऑल और डेमोस का मतलब क्या होता है पीपल पैन का मतलब यहां से पी ए से समझ लो पासपोर्ट यानी किसी बीमारी को पासपोर्ट मिल गया हो और वो एक देश से दूसरे देश में उल्टा सॉरी कूदा हुआ घूम रहा हो तो यहां पर पासपोर्ट आप बोल सकते हैं तो पैन का मतलब ऑल होते हैं, डेमोस का मतलब पॉपुलेशन एक बीमारी है जो सरहदों को लांघती हुई चली गई है एक देश से दूसरे देश में दूसरे से तीसरे पूरे वर्ल्ड में फैल गई हो तो उसको हम पैंडमिक कहेंगे सो so, यह एक प्रकार की महामारी है जो कई देशों या महाद्वीपों में फैल जाती है पैंडेमिक इज इज एन एपिडेमिक वैसा एपिडेमिक जो पूरे वर्ल्ड में फैल गया हो कई कंट्रीज में फैल गया हो उसको हम बोलेंगे पैंडेमिक जैसे आपका कोविड नाइन्टीन कोविड 19 जब तक चाइना के वुहान शहर में था तो चाइना के वुहान शहर में बहुत लोगों को ये प्रभावित कर रहा था तो वो एपिडेमिक हो गया एक बड़े पॉपुलेशन को क्या किया अफेक्ट कर रहा था वहीं पर चाइना के वुहान शहर में लेकिन जब वहाँ से निकल कर ये कई देशों में फैल गया तब ये बन गया आपका पैंडेमिक कोविड 19 लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे पैंडेमिक्स आए हैं जैसे ब्लैक डेथ अमेरिकन प्लेग द फ्लू पैंडेमिक Spanish फ्लू अरे स्पैनिश फ्लू में तो जितने लोग मरे हैं कोविड नाइन्टीन में उसके रिस्पेक्ट में कुछ डेथ नहीं हुई है द एशियन फ्लू ये सब पहले बहुत सारे पैंडेमिक आते रहे हैं है ना और अभी रिसेंट में जो आया था पैंडेमिक वो था कोविड नाइनटीन तो पैन का मतलब होगा ऑल डेमोस का मतलब होगा पीपल यानी एक ऐसी बीमारी जिसको पासपोर्ट मिल गया हो पी ए का मतलब पासपोर्ट मिल गया हो ठीक है क्वेश्चन क्या पूछा गया था उसको रहने देते हैं तो देखो यहां पे मैंने लिखा है कि जब कोविड नाइनटीन चीन के वुहान तक सीमित था तब यह एपिडेमिक था लेकिन जब यह पूरे विश्व में फैल गया तो अब इसको हम क्या बोलेंगे पैंडेमिक बोलेंगे ठीक है जी क्वेश्चन को आगे देखेंगे इसके अलावा कुछ और बीमारियां जो आपको रट लेना है जैसे एक बीमारी है इटाईटाई या आउच आउच डिजीज हिंदी में भी क्या लिखेंगे इटाई या आउच आउच डिजीज बस इसमें याद रखना ये किसकी वजह से होता है तो कैंडियम सॉरी कैडमियम की विषाक्तता के कारण होता है कैडमियम की की वजह से होता है। पीने वाले पानी में कैडमियम की मात्रा अधिक हो गई तो एक बीमारी होती है इटाई या आउच आउच डिजीज एक और होता है ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर पे ये जल में पीने वाले पानी में ड्रिंकिंग वॉटर में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो गई ब्लू बेबी सिरकाम के एग्जाम में, 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 में हर एग्जाम में पूछा गया और नीट के एग्जाम में भी एक्सेस ऑफ नैट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर पीने वाले पानी में नैट्रेट की अधिकता की वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं तो इटाई-इटाई कैडमियम ब्लैक फुट, आर्सेनिक ब्लू बेबी नीमारी हिंदी में भी यही लिखेंगे पर डिजीज का नाम आपको इंग्लिश में ही रखना पड़ेगा मीनामाटा मरकरी पॉइजनिंग के कारण पारा की विषाक्तता के कारण ये बीमारी होती है पीने वाले पानी में इंडस्ट्रीज से अगर रिवर में चला गया पारा और फिर उसको मछलियों ने क्या किया उस पानी को एब्जॉर्ब किया यूज किया और उस मछलियों को आदमी ने खाया तो बीमारी हो गई थी मिनीमाटा जापान में तबाही मचा दिया था इस बीमारी ने तो मिनामाटा नाम की बीमारी पारा की विषाक्तता के कारण होती है एक बीमारी है फ्लोरोसिस 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 नाम की बीमारी पीने वाली पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण होती है फ्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण होती है इस बीमारी में होगा क्या कि आपका जो तीत है और उसको नुकसान पहुंचता है तीथ में क्या होता है डेंटल कैरीज होने लगती है कैविटी होने लगती है और बोन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लगते हैं बोन जो है, है, है।, तो है दांतों में कैविटी हो जाएगा एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस टेक्स प्लेस इन बोन जो बोन को वीक बना देते हैं तो बोन में स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी बोन टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं आपको शायद पता होगा आपको पता होगा कि जो फ्लोराइड है देखो आपको याद रखना चाहिए जो फ्लोराइड है ये फ्लोराइड उसकी जो नॉर्मल लेवल है पानी में वो आपके दांतों के लिए और बोन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है ये जो आपका फ्लोराइड है ये जो आपका फ्लोराइड है फ्लोराइड का जो नॉर्मल लेवल है पानी में इसका सामान्य स्तर पानी में बोन और तीथ के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है बोन और तीथ का डेवलपमेंट करवाता है विकास करवाता है लेकिन यही फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो गई पानी में तो इसी बोन और तीथ को डैमेज भी करना चालू कर देता है बोन और तीथ को डैमेज करना भी चालू कर देता है और इसी बीमारी को हम फ्लोरोसिस कहते हैं। तो तो अगर फ्लोराइड का लेवल कम है पानी में तो भी प्रॉब्लम है ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है अगर फ्लोराइड का लेवल कम है पानी में तो बोन और का डेवलपमेंट नहीं होगा आपने देखा होगा आपसे क्वेश्चन पूछा था सीडीएस में डॉक्टर जो है वो फ्लोराइड का पेस्ट क्यों रिकमेंड करते हैं कई जगहों पर क्योंकि फ्लोराइड जो होता है वो तीथ और बोन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है तो ये सारी बीमारियाँ आपको याद रखनी चाहिए है ना देखो इटाई इटाई या आउच आउच डिज़ीज़ जो कैडमियम की विषाक्तता की वजह से होती है ये लगभग सन्नीस सौ बारह ईस्वी में जापान में तबाही मचा दिया था इसमें क्या होता था कि आपकी उंगलियां इस तरह से बोन इस तरह से झुक जाते थे और आदमी को काफ़ी दर्द होता था उस दर्द की वजह से आदमी आउच आउच करता है है ना तो इटाई इटाई आउच, आउच डिजीज जो है वो जापान में हुआ था दूसरी बीमारी है ब्लैक फूड डिजीज यह आर्सेनिक की वजह से होता था यह है ब्लैक फूड डिजीज है ना उसके बाद डिजीज़ देखिए जापान में तबाही ला दिया था यह इंडस्ट्री से निकलने वाला जो मरकरी है वो पानी में जा रहा था उसको मछलियां एब्जॉर्ब कर रही थी और इस इन मछलियों को आदमी खा रहे थे देखिए ये हालत हो गई थी पूरा ये मसल्स हड्डियाँ बिल्कुल सुकड़ गई थी और ये देखिए मौत के की तबाही के कुछ नज़ारे जो यहाँ पर हैं वो मैंने दिखाए हैं आपको जापान में हुई थी है ना मिनी माटा ब्लू बेबी सिंड्रोम अभी आपको बताया जिसको मिथैमोगलोबीनीमिया भी कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम का दूसरा नाम है मिथैमोगलोबीनीमिया ये सीरियस का क्वेश्चन पूछा गया था यह नाइट्रेट की अधिक मात्रा की वजह से होती है सिम्टम वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इसलिए मैं जानबूझ नहीं बता रहा हूं यह है फ्लोराइड फ्लोरोसिस नाम की बीमारी फ्लोराइड की अधिक मात्रा अगर पानी में है तो यह बोन और तीत को डैमेज कर देता है दांतों में कुछ इस तरह से पीलापन और दांतों का शेप खराब हो जाएगा दांतों का क्षय होने लगेगा और ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आने के बोन में ये बोन देखिए कैसे तेढ़ा मेढ़ा हो गया ये सिर्फ एक वजह से फ्लोराइड की मात्रा अधिक है पानी में और लोग इतना सफर कर रहे हैं है ना तो ये फ्लोरोसिस है। बस इतनी बातें आपको यहां पर याद रखनी है सीधा हम चलेंगे जेनेटिक डिजीजेस पे जेनेटिक जापान में ही क्लियर है बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है चली अच्छी बात है अब आ जाइए जेनेटिक डिजीज जिसको हम हेरिडिटरी डिजीज भी कहते हैं वो बीमारियां जो किसी पर्सन के डीएनए में जीन में या क्रोमोजोम में चेंज होने की वजह से आ जाती हैं उसको हम जेनेटिक डिजीज या हेरिडिटरी डिजीज यानी अनुवांशिक रोग कहते हैं और इनमें से बहुत सारी बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होती हैं तो वो बीमारियां जो आपके डीएनए या क्रोमोजोम या जीन में चेंज होने की वजह से होती है उन बीमारियों को हम लोग क्या कहते हैं जेनेटिक डिजीज कहते हैं अब बस इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको नाम याद रखना है जैसे पूछ देगा कौन एक जेनेटिक डिजीज है कौन एक जेनेटिक डिजीज नहीं है जहां पर थोड़ा डिटेल में बताना होगा मैं बता दूंगा लेकिन ज्यादातर नाम से पूछा जाएगा आपको तो जेनेटिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होंगे कि अगर आपके जीन में चेंज है क्रोमोजोम में गुणसूत्र में तो डीएनए गुणसूत्र या जीन में चेंज आना ये जेनेटिक डिजीज कहलाएगा और ये बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकती है जैसे कि पहली बीमारी टर्नर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम अब आपसे अगर मैं पूछूं कि हमारी बॉडी में एक नॉर्मल मेल की बॉडी में कितने क्रोमोजोम होंगे तो आप कहेगा 44 फोर प्लस एक्स वाई टोटल क्रोमोजोम कितने होते हैं 46 जिसमें से 44 को क्या बोलते हैं ऑटोजोम जो आपका पूरा बॉडी बनाता है तो हमारे शरीर के हर सेल में कितने गुणसूत्र होते हैं तो 46 क्रोमोसोम क्रोमोजोम होते हैं जिसमें से 44 को हम क्या कहते हैं ऑटोसोम और ये जो वन पेयर हो गया उसको हम क्या कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम क्या कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम लिंग गुणसूत्र ठीक है जो आपका सेक्स डिटरमिनेशन करता है तो ये चौवालीस गुणसूत्र आपका बॉडी बनाता है और ये जो वन पेयर है जिसे हम सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं ये आपका क्या करता है सेक्स डिटरमाइन करता है तो अगर 44 प्लस एक्स एक्स है तो ये हो गया नॉर्मल फीमेल और यहीं पर 44 फोर प्लस एक्स वाई है तो ये हो गया आपका नॉर्मल मेल तो एक नॉर्मल मेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी छियालीस चौवालिस प्लस एक्स एक्स ये हो गया फीमेल का 44 प्लस एक्स वाई यह हो गया मेल का तो अगर किसी फीमेल में क्रोमोसोम ऐसा है 46 है फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स है तो फीमेल है ना और 44 फोर प्लस एक्स वाई है तो मेल 44, 45 और 46 लेकिन अगर क्रोमोजोम की संख्या 44 फोर प्लस एक्स एक्स या एक्स वाई की जगह 44 फोर प्लस एक्स जीरो हो गया यानी होना चाहिए था कितना 46 कितना हो गया 45 एक क्रोमोजोम की कमी हो गई तो इस बीमारी को हम कहेंगे टर्नर सिंड्रोम तो आपसे क्वेश्चन होगा कि टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोजोम का नंबर कितना होगा गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी तो आप कहेगा 45. कैसे कैसे तो 44 फोर प्लस एक्स जीरो एक एक्स की कमी हो गई अब इस तरह का जो इंडिविजुअल है वो मेल होगी कि फीमेल होगी बताइए तो आप कहेगा मेल होने के लिए वाई मस्ट है होगी तो फीमेल लेकिन कैसी होगी नॉर्मल फीमेल होने के लिए दो एक्स चाहिए था एक एक्स की कमी है तो फीमेल तो होगी लेकिन अधूरी होगी मतलब ये ऐसी महिला होगी जिसमें महिलाओं के गुण कम पाए जाएंगे अ गर्ल विद लेस गर्ली कैरेक्टर्स मतलब लेस गर्ली कैरेक्टर कहने का मतलब महिलाओं के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा फीमेल की जो बॉडी होती है हिप वगैरह जो ब्रोड <coughs> होते हैं वो नहीं होगा ओवरी डेवलप नहीं होगी डेवलप नहीं होगा मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा मासिक धर्म नहीं होगा और जब मासिक धर्म नहीं होगा तो ऐसी महिलाएं क्या होगी स्ट्राइल होंगी बांझ होंगे अब आप इसको ठीक भी नहीं कर सकते क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज है इसका उपचार नहीं हो सकता प्रॉब्लम गुणसूत्रों में है क्या याद रखोगे टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है नॉर्मल में 46 होती है एक एक्स की कमी हो गई तो महिला तो होगी लेकिन महिलाओं के गुण इसमें कम पाए जाएंगे समझ में आ गया चलो दूसरी अनुवांशिक रोग देखते हैं तो कुछ इस तरह की वो फीमेल होगी महिलाओं के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है समझ में आता है ना रिप्रोडक्शन uh, में पढ़ाया था मैंने तो कुछ इस तरह की होगी ठीक है दूसरा है 44 फोर प्लस एक्स एक्स वाई हमने क्या कहा कि देखो 44 फोर प्लस एक्स एक्स है तो ये नॉर्मल फीमेल है और 44 फोर प्लस एक्स वाई है तो ये नॉर्मल मेल है मेल को ऐसे डिनोट करते हैं फीमेल को ऐसे डिनोट करते हैं ऐसे डिनोट करने का तरीका ये है फीमेल और ये हो गया मेल ठीक है इसके अलावा कोई भी है मतलब एब होगा एब होगा तो इसमें क्या हो गया कि 44 फोर प्लस एक्स एक्स वाई हो गया गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए था 46 ना एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया तो 47 हो गया इस बीमारी को हम कहेंगे क्लेने फिल्टर सिंड्रोम तो क्लेने फिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी तो आप कहेंगे सर फोर्टी होगी नॉर्मल मेल होने के लिए क्या चाहिए था 44 प्लस, एक्स वाई चाहिए था एक्स वाई ये एक्स एक्स्ट्रा हो गया दो एक्स हो गया तो इसमें क्या होगा कि पुरुषों में महिलाओं का गुण आ जाएगा एक एक्स एक्स्ट्रा जाने की वजह से पुरुषों में महिलाओं का गुण आ जाएगा और पुरुषों में महिलाओं का गुण आ जाना एक शब्द में क्या कहलाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ते होंगे इंग्लिश में क्या कहलाता है गायनेकोमेस्टिया तो इस तरह के पुरुष में महिलाओं के गुण पाए जाएंगे और ये नपुंसक होगा स्ट्रैल होगा महिलाओं के गुण पाए जाएंगे मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा है ना दाढ़ी मूछें जो होती हैं पुरुषों की वो ठीक से इसमें नहीं आएंगी चिकना चिकना सा फेस रहेगा ये जो है महिलाओं जैसा इसका हिप वगैरह होगा ब्रॉड हो जाएगा है ना तो देखने में ये बिल्कुल जो है आ, महिलाओं जैसा लगेगा रिड्यूस मसल्स मास लेस फेसियल एंड बॉडी हेयर ब्रॉड हिप्स है ना एन लार्ज ब्रेस्ट है ना इनक्रीज बेली फैट महिलाओं जैसा यहाँ पे ये पेट जो हो जाएगा ठीक है इस तरह के इंडिविजुअल को आपने देखा होगा मतलब ट्रेन वगैरह पे पैसे वैसे मांगते रहते हैं या बच्चों का जन्म हो जाता है तो वहां पे भी आ जाते हैं पैसे लेने के लिए ट्रेन पे तो बहुत परेशान कर देते हैं लोगों को तो कुछ लोग तो आते ही पैसे दे देते हैं और कुछ लोग पैसे देते हैं लेकिन लाद जूता खाने के बाद गाली गलौज सुनने के बाद कुछ लोगों को लाद जूता खाने की आदत होती है है ना तो वो पैसे मांग रहे होते हैं दे देना चाहिए उनको तो ये वही होते हैं तो क्लेने फिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या फोर्टी कितना तो एक एक्स ज्यादा हो जाएगा फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स वाई उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है तो ये भी एक अनुवांशिक रोग है ठीक है ना चलिए नेक्स्ट बीमारी है 44 प्लस एक्स 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 ट्रिपल एक्स सिंड्रोम या सुपर वुमन सिंड्रोम सुपर फीमेल कहते हैं इसको अब देखो नॉर्मल फीमेल होने के लिए क्या चाहिए था 44 प्लस एक्स एक्स चाहिए था ना ये एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगेन 47 हो गया 46 नॉर्मल है एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया इसको सुपर फीमेल बोलेंगे ये तो महिला ही होगी लेकिन ये महिला नॉर्मल फीमेल से थोड़ा ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग होगी कद काठी ज्यादा होगा है ना मतलब फिजिकली स्ट्रांग होगी ज्यादा स्ट्रांग होगी नॉर्मल फीमेल से लेकिन स्ट्राइल होंगी बांझ होंगी इस तरह की महिलाओं को अगर कोई गेम हो रहा होता है तो उससे डिस्कालीफाई कर दिया जाता है क्योंकि देखो अगर कोई गेम हो रहा है जैसे मान लिया कबड्डी हो रही है उसमें सुपर फीमेल है तो वो नॉर्मल फीमेल को आसानी से पटक डालेंगी रेस हो रही है तो आगे निकल जाएंगी है ना तो अगर इस तरह का केस पाया जाता है सुपर वेमेन का या सुपर फीमेल का तो उसको टेस्ट से डिस्कालीफाई कर दिया जाता है तो ये स्ट्रांग होगी लेकिन कैसी होंगी स्ट्रायल होंगी स्ट्रांग होंगी स्ट्रायल होंगी है ना किलर है अच्छा तो ये सुपर फीमेल का केस हो गया ये नॉर्मल फीमेल देखो और ये सुपर फीमेल है थोड़ा तगड़ी लग रही है देखने में तो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम की वजह से ये प्रॉब्लम आती है एक आ गया 44 प्लस एक्स वाई 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 क्रोमोजोम अधिक हो गया इसमें नॉर्मल मेल होने के लिए क्या चाहिए था एक्स वाई यहां पर एक वाई ज्यादा हो गया तो ये कहलाएगा सुपर मेल जैकॉब सिंड्रोम भी इसको कहते हैं सुपर मेल में क्रोमोजोम की संख्या बी अगेन 47 है लेकिन यहां पर वाई ज्यादा हो गया इस तरह का जो मेल होगा ना वो आम मेल की के मुकाबले ज्यादा क्या होगा स्ट्रांग होगा कद काठी ज्यादा होगा क्रिमिनल माइंड का होगा अपराधी प्रवृत्ति का ये आदमी होगा और ये स्ट्रायल होगा ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि ये वाला जो केस होता है मतलब सुपर मेल का ये इसमें क्रिमिनल माइंड हो जाता है आदमी का अपराधी प्रवृत्ति का आदमी होता है स्ट्राइल लेकिन इस होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉन सिंड्रोम डॉन सिंड्रोम में भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है 47 होती है लेकिन यह अभी तक जितनी भी बीमारियां आपने देखी हैं उससे थोड़ी अलग है अभी तक आपने जितनी भी बीमारियां देखी हैं वो सेक्स क्रोमोजोम के कम होने की वजह से या ज्यादा होने की वजह से हो रही थी हमने कहा था कि भाई 44 प्लस एक्स एक्स है तो ये नॉर्मल फीमेल थी ये थी नॉर्मल फीमेल और 44 फोर प्लस एक्स वाई है तो आपने कहा था सर ये नॉर्मल मेल हो गया ये नॉर्मल मेल हो गया ठीक है अभी तक जो भी आपने बीमारियां देखी थी या तो इसमें ज्यादा हो गया था या इसमें कम हो गया था है ना उसकी वजह से हो रही थी ये सेक्स क्रोमोजोम की वजह से तो 46 क्रोमोजोम में से ये 44 क्रोमोसोम क्रोमोजोम 22 जोड़े को हम लोग क्या बोलते हैं ऑटोजोम और ये एक पेर को क्या बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम. तो अभी तक जो प्रॉब्लम हो रहा था वो सेक्स क्रोमोजोम की कमी या अधिकता के कारण हो रहा था जैसे एक्स जीरो हो गया तो टर्नर सिंड्रोम ट्रिपल एक्स हो गया तो सुपर फीमेल है ना एक्स एक्स वाई हो गया तो क्लेने फिल्टर एक्स वाई वाई हो गया तो सुपरमेल है ना तो सेक्स क्रोमोजोम में प्रॉब्लम की वजह से हो रहा था लेकिन ये जो बीमारी है ना ये ऑटोसोम में प्रॉब्लम की वजह से होती है ऑटोसोम में प्रॉब्लम की वजह से होती है ऑटोसोम कितना होता है चौवालिस यानी बाईस जोड़ा जैसे अगर हम बात करें हम बात करें ऑटोजोम की ऑटोजोम की तो मैंने आपसे कहा कि 44 फोर प्लस एक्स एक्स है तो फीमेल नॉर्मल फीमेल और 44 फोर प्लस एक्स वाई है तो नॉर्मल मेल लेकिन ये प्रॉब्लम जो है किसकी वजह से है ऑटोजोम में प्रॉब्लम की वजह से ऑटोजोम कितना है 44 मतलब बोले तो 22 टू पेयर्स कितना 22 टू पेयर्स ऑटोजोम ट्वेंटी टू पेयर्स होता है जैसे ये पहला पेयर हुआ क्रोमोजोम का ठीक है यह दूसरा पेयर हुआ दूसरा जोड़ा हुआ इस तरह से क्या होगा इक्कीसवां जोड़ा होगा और फिर क्या हो जाएगा बाईसवां जोड़ा हो गया तो ऑटोजोम कितना हो गया ट्वेंटी टू पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इक्कीसवां बाईसवां ऑटोसोम कितना हो गया 44 फोर ऑटोसोम कितना हो गया 44 हुआ ना इस बीमारी में क्या होता है कि जो इक्कीसवीं जोड़े गुणसूत्र है ना ट्वेंटी फर्स्ट पेयर ये दो होना चाहिए था लेकिन इसकी एक कॉपी अधिक बन जाती है देखो एक, एक एक्स्ट्रा बन गया तो ऑटोजोम को कितना होना चाहिए था 44 एक एक्स्ट्रा होने की वजह से ऑटोजोम कितना हो गया 45. और फाइव ऑटोजोम हो गया और वन पेयर सेक्स क्रोमोजोम हो जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 47 तो अगर आपसे पूछा जाए कि डॉन सिंड्रोम नाम की जो बीमारी होगी वो क्यों होगी तो क्यों होगी इस बीमारी में क्या होता है एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम इज फॉर्म्ड एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ of 21st chromosome is formed. मतलब 21वीं जोड़े गुणसूत्र की यह पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 21वीं जोड़े गुणसूत्र की 21वीं जोड़े गुणसूत्र की गुणसूत्र की एक कॉपी अधिक बन जाती है है ना एक कॉपी अधिक बन जाने के कारण यह बीमारी होती है तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम डॉन सिंड्रोम में भी कितना हो जाएगा? 47, 47। ठीक है? 47. तो सिंड्रोम में जो बीमारी होगी वो क्या होगी बच्चे का कद बहुत छोटा रह जाएगा छोटा कद बच्चे का चेहरा बिल्कुल गोल सा होंठ बाहर की तरफ लटके हुए बिल्कुल मंद बुद्धि सा दीन दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं होगा ऐसे करके चुपचाप से खड़ा रहेगा उसको देख ही समझ में आ जाएगा कि यह डाउन सिंड्रोम का केस है तो हार्ट डिजीजेस वगैरह भी हो सकते हैं इसको है ना इस तरह से होंठ बाहर की तरफ लटके हुए है ना हार्ट डिजीज मेंटली रिटार्ड मतलब मंद बुद्धि टाइप का बच्चा ये होगा और ये ठीक नहीं हो सकता है तो डाउन सिंड्रोम में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 47 है लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों हो रही है ऑटोसोम एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ फर्स्ट क्रोमोजोम इज फ़ॉर्म्ड। तो अगर इक्कीसवीं जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी अधिक बन गई है तो डॉन सिंड्रोम कहलाएगा उसी तरह से एक और बीमारी होती है पटाऊ सिंड्रोम तेरहवीं जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी अधिक बन जाएगी इसमें इक्कीसवीं जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी अधिक बन गई है तो क्या हुआ डॉन सिंड्रोम लेकिन तेरहवीं जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी अधिक बन गई है तो उसे हम पटाऊ सिंड्रोम कहेंगे क्या कहेंगे पटाऊ सिंड्रोम ठीक है इसमें क्या होगा जैसा कि मैंने कहा कि तेरहवीं गोड़े जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी अधिक बन जाती है है ना बाईस जोड़ा होगा ऑटोजोम तो वहां पर क्या हो रहा था इक्कीसवीं जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी अधिक बन रही थी यहां पर तेरहवीं जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी क्या हो जाएगी अधिक बन जाएगी तेरहवीं जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी जो है वो अधिक बन जाएगी कुछ शक है ठीक है जी तो तेरहवीं जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी अधिक बन जाएगी इससे प्रॉब्लम क्या होगा देखो इस तरह का जो बच्चा होगा इसको हम पटाऊ इस उसके आगे वाले जो ये जबड़ा है मतलब जो गम्स है वो कटा हुआ ये पैदा होगा जिसको क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट कहते हैं ठीक है तो इस तरह का जो बच्चा होगा वो जेनेटिक डिजीज वाला है आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे इस तरह से पैदा होते हैं एक आपने देखा होगा इस्माइल पिंकी नाम की मूवी जिसमें एक बच्ची जो थी वो इसी तरह से ग्रस्त थी तो उसका फिर ऑपरेशन कराया गया और उसको सही किया गया था इस मूवी को जो है प्राइज भी मिला था ठीक है नेक्स्ट है एडवर्ड सिंड्रोम अट्ठारहवीं जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी अधिक बन जाती है तो याद रखिएगा इक्कीसवीं जोड़े गुणसूत्र की अधिक कॉपी बन गई तो क्या कहेंगे जोड़े गुणसूत्र की अधिक कॉपी बन गई तो पटाऊ सिडवर्ड सिंड्रोम अठारहवीं सिंड्रोम, जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी अधिक बन गई है ये एनथ पेयर जो है इसको बोलेंगे एडवर्ड सिंड्रोम और इसमें भी लगभग इसी तरह का प्रॉब्लम आ जाता है इसमें भी कटा हुआ हो सकता है और लंग्स किडनी इंटेस्टैन के डिजीजेस हो सकते हैं डिफेक्ट्स हो सकते हैं तो ये भी याद रखिएगा एडवर्ड सिंड्रोम अब याद रखना आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हीमोफीलिया हीमोफीलिया जिसको हम ब्लीडर्स डिजीज या रॉयल डिजीज शाही रोग कहते हैं ये भी अनुवांशिक रोग है ये भी अनुवांशिक रोग है इस बीमारी को ब्लीडर्स डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इस आदमी का कोई एक्सीडेंट हो गया तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती रक्त का थक्का नहीं जमता तो आपको बस नाम याद रखना है केडवॉर्ड पटाऊ डॉन ये सब क्या है जेनेटिक डिजीज है हीमोफीलिया क्या है जेनेटिक डिजीज इसमें ब्लीडिंग रुकती नहीं सो ब्लीडर्स डिजीज ये बीमारी सबसे पहले जो विक्टोरिया थी ना इंग्लैंड की रानी काफी खूबसूरत उसके फैमिली में उसके खानदान में देखी गई थी इसलिए से शाही रोग कहते हैं ये देखिए क्वीन है सच में खूबसूरत होती थी रानिया ऐसे नहीं किससे कहानियों में नहीं ये देखिए अभी की सारे फेल हैं इसके सामने। पूछा गया कि इस बीमारी ये जो बीमारी है वो किस गुणसूत्र से संबंधित है एक्स या वाई तो याद रखिएगा एक्स लिंक्ड डिजीज है एक्स गुणसूत्र से संबंधित बीमारी है एक बात और याद रखिएगा कि ये बीमारी पुरुषों की अपेक्षा सॉरी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाई जाती है महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाई जाती है एक और बीमारी याद रखना कलर ब्लाइंडनेस इस बीमारी में आदमी जो है वो रेड और ग्रीन में अंतर स्पर्श नहीं कर पाता लाल और हरे रंग में अंतर स्पर्श नहीं कर पाता क्योंकि दोनों ही उसे भूरा दिखाई देता है ये भी एक्स गुण सूत्र से संबंधित बीमारी है और यह बीमारी भी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में बहुत ज्यादा होती है इसको याद रखिएगा तो जिस आदमी को कलर ब्लाइडनेस है वो उसको कुछ ऐसा दिखेगा दोनों एक ही जैसा दिखता है तो यह व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता ठीक है तो इसको याद रखना है आपको एक बीमारी है एल्बिनिज्म एल्बिनिज्म याद रखिएगा एक ऐसी बीमारी है जिसमें मिलानिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता जिसमें मिलानिन का उत्पादन या तो बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है ना के बराबर होता है जिसकी वजह से आदमी का जो स्किन है है, वो बिल्कुल वाइटिश हो जाता है। सिर्फ स्किन नहीं इसके बाल इसकी पलकें जो है वो सब वाइट दिखती हैं, धूप में निकलेगा तो ये आदमी आंखें नहीं खोल पाता इसको एल्बिनिज्म कहते हैं तो एल्बिनिज्म एक अनुवांशिक रोग है जिसमें मिलानिन का उत्पादन नहीं होने के कारण आदमी की जो त्वचा है बिल्कुल वाइटिश हो जाती है तो सिंपल याद रखना है कि एल्बिनिज्म भी क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर है पूछ देगा कि कौन एक अनुवांशिक रोग है या कौन एक अनुवांशिक रोग नहीं है इसी तरह से आप याद रख लेना थैलीसीमिया थैलीसीमिया भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आदमी के बॉडी में कम हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है और आदमी को अनिमिया रहता है रक्त की कमी रहती है तो याद रखना थैलीसीमिया भी क्या है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके बाद सिकल सेल अनिमिया, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आदमी का जो आरबीसी है वो कैसा होता है डिस्क लाइक होता है लेकिन इसमें आदमी का आरबीसी जो है वो सिकल शब्द हंसुआ के हंसिया के आकार का हो जाता है और इसमें भी क्या होगा के अनिमिया रहेगा कम हीमोग्लोबिन रहेगा आदमी की बॉडी में और क्या होगा एनीमिया रहेगा इसको क्लियर है तो इसको एनीमिया रहेगा तो सिकल सेल अनिमिया भी क्या है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है क्लियर है सबको तो सिकल सेल अनिमिया सिकल सेल अनिमिया थैलीसीमिया एल्बिनिज्म कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया एडवर्ड सिंड्रोम अटाउ सिंड्रोम डॉन सिंड्रोम सुपर मेल सुपर फीमेल क्लेने फिल्टर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम ये सब के सब जेनेटिक डिसऑर्डर है उसका नाम आपको क्या करना है याद रखना है और जब हम अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे संडे को तो ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए तभी आपका क्वेश्चन बनेगा तो मिलते हैं अब कल एक और खूबसूरत टॉपिक के साथ आज के लिए बस इतना ही किसी का कोई डाउट है कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं तो मिलते हैं अगले सेशन में अविनाश डे टेक केयर बाय जय हिंद थैंक यू वेरी मच सी यू अगेन